We have number 69, Cameron Green. Can we have the beat for Cameron Green? Green आ गया 2 crore. So we have the beat for Ambani ji. 4 crore. Oh no. 6 crore. 8 crore. Oh my God. इसकी तो 10 crore. अबे रुक जाओ हरामियों, हमारी भी सुन लो. So we have the beat for 10 crore. आगे कोई? 12 crore. 12 crore from चच्चा जी. इस चच्चा की तो मैं 16 crore. 17 crore. अब देखना, मैं 17.5 crore बोलूँगा, फिर ये 18 बोलेगा, फिर मैं पीछे हट जाऊँगा. इसका होतिया काटेंगे अपन. क्या बात है, दिमाग साहब जी दिमाग. अब तो बस देख, 17.5 crore. 17 crore 50 lakh for अंबानी जी. चच्चा जी आप 18 बोल, चच्चा 18 बोल. आउट. सर जी इसने तो आपका ही होतिया काट दिया. क्या अंबानी बनेगा रे तू? तो भाई लोग, आईपीएल ऑक्शन का कार्यक्रम हो गया है खत्म. कुछ लोग खुशी के मारे करेंगे भजन. सनराइजर्स वालों कहा है तुम्हारे चरण, तुमने 16 करोड़ दे दिए टू निकोलस पुरन. शायरी देख रहे हो? तो भाई लोग, कल आईपीएल ऑक्शन में इतना पैसा लगाया ना, इतना पैसा लगाया मतलब इतने पैसे में तो पाकिस्तान का कर्जा चुकता हो जाता. मतलब यार सैम करम को 18 करोड़. 18 करोड़ ना 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 भैया, गलत हो रहा है. एक बच्चे को तुमने 18 करोड़ दे दिए यार. देखो ना, एक बंगला चाहिए रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियां होनी चाहिए. तो भाई लोग, कल ऑक्शन में सैम करें के पीछे लोग ऐसे पड़े थे जैसे मेरे पीछे लड़कियां. झूठ बोलो तो थोड़ी बहुत लड़कियां. बार बार झूठ बोलो. भाई लोग, मेरे पीछे कोई पड़ा हो ना पड़ा हो, पर सैम करें के पीछे ये मोहतरमा पड़ गई. और भाई साहब लेके ही माना है, 18 करोड़ गए तेल लेने. तो पंजाब वालों ने सैम करन को खरीदा 18.5 करोड़ में. पर भाई लोग एक बात सोचो, अगर ये बंदा आईपीएल के पहले इंजर्ड हो गया तो. मैं तो ऐसे ही बोल रहा था यार. आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए. सैम करन के लिए शायरी के बैंस तो गया सीएसके में, विराट भाई कैसा होगा. और सैम करन ने ऑक्शन के बाद कहा पैसा ही पैसा होगा. भाई लोग, ये आदमी नहीं है यार, काटने की मशीन है. काटा भी किसका भाई साहब? अंबानी के शहजादे का. ना तेरे को डर नहीं लगता? भाई लोग, दिल्ली वाले ऑक्शन में किसी प्लेयर को खरीदे ना खरीदे पर दूसरे के पैसों के एल जरूर लगा देते हैं. मुंबई वालों के लिए शायरी के 17 करोड़ में कैमरन ग्रीन पड़ा तुमको, और दिल्ली वालों ने तो कुतिया बनाया तुमको. तो भाई साहब, हमारी शान और विराट भाई की जान, बैंस्टोक चले गए सीएसके में. सीएसके वालों ने तो राणे को भी खरीद लिया. मतलब यार धोनी, बैंस्टोक, अजिंक्य राणे जो पिछली बार साथ खेले थे ना, टीम ने फाइनल खेला था. समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. सीएसके ने बैंस्टोक को खरीदा 16 करोड़ 25 लाख में. इतना तो साला आरसीबी का बजट नहीं था यार. अबे तुझे क्या हो गया? अबे इज्जत से बात कर. हैरी ब्रूक्स को 13 करोड़ में खरीदा है. क्या बात कर रहा है फिर? बेटा तुम भी जरा औकात में. निकोलस पुरन 16 करोड़. 16 करोड़ 25 लाख. बैंस्टोक. भाई तुम लोग प्लेयर भी खरीद रहे हो? अरे भाई प्लेयर भी खरीद रहे हो लोग? अरे भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता. गरीब लोग. क्या बोला तूने? गरीब लोग. अबे तूने किसको खरीदा है? 17 करोड़ 50 लाख. कैमरन ग्रीन. अंबानी का चूला. ए ज्यादा मत बोल. क्या कर लेगा? अबे हमारा ग्रीन तेरी मार मार के लाल कर देगा. अबे हमारा बैंस्टोक तेरी बैंस्टोक कर देगा. तेरी तो. अरे आना. अरे बच्चे लोग शांति शांति. अबे ये कौन है? शक्ल से तो होतिया लगता है. बात तो सही बोल रहा है तू. और गरीबों, सबसे ज्यादा पैसा हमने दिया है सैम करन 18.5 करोड़. ये तो सच में होती है. अबे हमारे प्लेयर ऑक्शन में होते ना, एक एक बंदा 100-100 करोड़ में जाता. फिर से बोलना, कितने में? 100 करोड़. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? देखो भाई साहब, औकात औकात की बात होती है. मतलब यार इस बंदे को पीएसएल में 80 लाख मिले थे और आईपीएल में 13 करोड़. फिर कुछ होते है बोलते हैं पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल. अबे जितना पैसा उसको एक आईपीएल में मिला है ना, उतने में तो तुम्हारे 3-4 PSL निपट जाते. भाई लोग, मैं एक टाइम के लिए सैम करन के 18 करोड़ 50 सकता हूँ, पर निकोलस पुरन को 16 करोड़? पगला गए हो क्या? पिछले सीजन इस बंदे ने 4-5 डक बनाए थे और 16 करोड़ के हिसाब से 16 डक तो पक्के हैं. चीटिंग 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 करता है तू. भाई लोग, दिल से बुरा लगता है मुझे आरसीबी और केकेआर वालों के लिए यार. मतलब यार ऐसा लग रहा था अमीरों की बस्ती में 2 गरीब लोग आ गए, कुछ खरीद ही नहीं पा रहे. शकुनी ऑफ महाभारत, शकुनी ऑफ आईपीएल. ऐसा भी चच्चा ना बड़े हरामी है. बैंस्टोक, ग्रीन, सैम करन, हैरी ब्रूक्स, रिमेनिंग प्लेयर्स टू बिडर्स. उधर ही पैसा लुटाते रहेंगे मालिक, इधर भी कृपा दृष्टि डाले. वीडियो तो ऐसे हो ना के बाल में. बाबर आजम, या अल्लाह इतना पैसा भी होता है? इतना पैसा सैम करन को मिला है ना, उतने में तो 4-5 PSL निकल जाते. हाँ
33+ टेस्ट T20 रिटायर, अदर टीम्स आउट, CSK बैठिए बैठिए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। CSK में आने का क्राइटेरिया ही है, शादी करो फिर CSK में आओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा क्या देख रहा है लोमडे? पाकिस्तान को पेलने के 13 करोड़ मिले मुझे। अपना तो सिंपल है भाई साहब, पाकिस्तान को पेलो, IPL कॉन्ट्रैक्ट ले लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। CSK पिक्स बैन स्टोक्स, विराट कोहली बैन स्टोक्स। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? धोनी भाई ये आपने अच्छा नहीं किया, विराट भाई से बैन स्टोक छीन लिया। सब मत करो मेरी जान। इतना पैसा लिए तूने IPL में, 18.5 करोड़। हमारे यहाँ खेलने आता और हमसे भी ज्यादा पैसा लेता है। पॉजिटिव वालों को जिंदा पकड़ना है। भाई साहब सोचो अगर इसने IPL में हक दिया ना, कितनी गाली पड़ेगी। तू पनौती मत मार रे। KKR इन लास्ट 5 मिनट ऑफ ऑक्शन। भाई साहब KKR टीम को हराए ना हराए 10 जरूर देगी, जब टीम के लिए प्लेयर खरीदने हो, जब दूसरे टीम का बजट खत्म करवाना हो। भाई साहब इस चच्चा पे ना एक वीडियो तो बनती है, स्टोक्स करण ग्रीन RCB भी 7 करोड़ बजट। भाई साहब ये तो वही बात हो गई, घोड़ों के रेस में गधे दौड़ेंगे। ऑप्शनर टू RCB एंड KKR, ये फिरौती की रकम है या मैयत का चंदा? RCB और KKR वाले तो मस्त सो के ऑप्शन में।